आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th CBSE की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसकी आज मैं फॉर एन ए ग्रेगरी पोएम की चर्चा करूँगा, जो कि ये विलियम बटलर ईट्स, जिसे शॉर्ट में WB ईट्स के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लिखित ये कविता है। जिनकी मैं जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म 13 जून 1965 को सैंडी माउंट आयरलैंड में हुआ और डेथ इनकी 28 जनवरी 1939 रोक्यू ब्रुने कैप मार्टिन फ्रांस में इनकी डेथ हो गई थी। और WB ईट्स देखा जाए तो एक एडिटर के रूप में भी काम किया था, एक एसेस्ट के रूप में भी काम किया, पोएट के रूप में भी काम किया, प्ले राइट के रूप में भी काम किया और को फाउंडर विथ लेडी ग्रेगरी ऑफ द एबे थिएटर एज द सेंटर ऑफ आयरिश लिटरेचर के रूप में भी काम इन्होंने किया। और ये जो पोएम जिसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, ये किसके बारे में पोएम है? तो दिस पोएम इज़ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वूमेन। ये जो कविता है एक नौजवान और एक यंग वूमेन के बीच की बातचीत है। व्हाट आर दे आर गोइंग अबाउट, अब देखते हैं कि वे किस बारे में तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि आर गोइंग मतलब होता है तर्क वितर्क करना। दूसरे की बात करें कि इसमें जो हम देखते हैं कि द कलर ऑफ द यंग वूमेन्स हेयर इज़ येलो, यंग वूमेन्स की जो बाल की जो कलर है वो कैसी हो गई है, तो येलो कलर की, पीली कलर की हो गई है। सीक एंड डाई है, डाई की स्पेलिंग जो अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं तो DYE है डाई। वह डाई करवा सकती है, बोले तो कलर करवा सकती है डेम बाल को, एंड चेंज इन टू ब्राउन और ब्लैक और कैरेट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट यंग लवर्स। वो इसलिए अपने बालों को कलर करवाना चाहती है ताकि वो उस अपने बाल को ब्राउन कर सके, ब्लैक कर सके और कैरेट कलर की कर सके, ताकि वो इस उद्देश्य से ताकि वो अपने यंग लवर्स को क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। दूसरे में यंग मैन के बारे में आप अक्सर देखते भी हैं कि यंग मैन ऑफन सी आउटवर्ड अपियरेंस, कांट सी द इनवर्ड ब्यूटी, सो दे आर थ्रोन इन टू डिस्पेयर। जो यंग मैन होते हैं वो अक्सर किसकी सुंदरता को देखते हैं, तो क्या बाहरी सुंदरता को देखते हैं और वही देखने की वजह से, और वो इनवर्ड ब्यूटी को नहीं देखते, इसी कारण वे लोग क्या रहते हैं, हमेशा नाखुश रहते हैं, बोले तो निराश रहते हैं। WB ईट्स के बारे में आप इतना जान जाइए कि WB ईट्स फॉर्मर मेंबर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट सीनेट के एक मेंबर भी हुआ करते थे। दूसरे की बात बोला जाए कि WB ईट्स को नोबेल प्राइज़ भी मिला, कब, 1923 में, किसके क्षेत्र में, तो लिटरेचर के क्षेत्र में। अब मैं जरा सा पोइट के द्वारा रचित एक कविता की लाइन टू लाइन, स्टेंजाज टू स्टेंजाज स्टडी करता हूँ। नेवर सेल अ यंग मैन थ्रो इन टू डिस्पेयर बाई दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। कहता है क्या कि एक नौजवान कभी निराश नहीं होगा, कब, जब उन शहद के रंग वाले, ग्रेट हनी कलर्ड, उन शहद के रंग वाले बालों को देखकर जो तुम्हारे बालों पर परे परे हैं, जो कि तुम्हारे कहाँ, जो कि तुम्हारे कानों पर बाल उगे हुए हैं, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, रैम्पार्ट्स मतलब बाल होता है, लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि और तुम्हें वो तुम्हारे लिए ही केवल प्यार करेगा, नहीं कि तुम्हारे पीले बालों को नहीं करेगा। वो सोचने वाली बात है कि जो समय के अनुसार जो प्यार चेंज हो जाए, उस प्यार का मतलब क्या नहीं, जो कि आप जानते भी हैं कि प्यार में तो सेम वाली कहानी होनी चाहिए जिसमें कोई टर्म एंड कंडीशन ना हो। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सेट्स देयर सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर। लेकिन परंतु मैं बालों को डाई करवा सकती हूँ, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, मैं बालों को डाई करवा सकती हूँ अर्थात बाल को रंगवा सकती हूँ, एंड सेट सेट सच कलर देयर, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, जो वो क्या है कि उनका रंग भूरा, काला या गाजर जैसा कर सकती हूँ। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, और ताकि प्यार में निराश नौजवान मुझे, मेरे लिए क्या कर सके, मे लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन, जो खुद प्यार कर सके मेरे बालों को नहीं, एंड नॉट माई येलो हेयर, दूसरे की बात करा जाए कि ताकि वो मेरे पीले कलर की बाल को नहीं, वो मुझे खुद मुझे प्यार कर सके। आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरडे नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, कि मैंने एक बूढ़े धार्मिक आदमी को सुना कल रात को कि यह घोषणा करते हुए कि उसने किताब को ढूंढ लिया है, जो यह साबित करती है किताब कि केवल भगवान
केवल मेरे प्रिय माय डियर ही तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकता है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, खुद के लिए तुम ही हो जो तुम प्यार कर सकते हो। एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे बालों को नहीं। इसमें पोएट बड़ा ढंग से इसको लिखने की कोशिश कर रहा है। दूसरे की बात करूँ कि जो कि आप जानते भी हैं कि मैच्योर लव एंड इमैच्योर लव दोनों में अंतर होता है। मैच्योर लव सेज दैट आई नीड यू बिकॉज आई लव यू, बट इमैच्योर लव सेज दैट आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। था जो मैच्योर लव होता है वो हमेशा आपकी ज़रूरत को समझता हुआ तब आपको प्यार करता है, लेकिन जो अधूरा प्यार होता है जिसे हम इमैच्योर लव कहते हैं वो हमेशा टर्म एंड कंडीशन पर टिका होता है। तो उसी कारण कहते हैं कि इमैच्योर लव सेज दैट आई लव यू बिकॉज आई नीड यू, क्योंकि पहले मैं तुम्हें प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़रूरतमंद वस्तुओं में के रूप में एक प्यार से भरा हुआ रिश्ता के समान हो। इसमें यही ये दिखता है कि यंग मैन और यंग मैन की पहचान क्या होती है, वो किस प्रकार से किसी को देखता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। और ये पोएम आपकी पूर्ण रूपेण लाइन टू लाइन टेक्स्ट टू टेक्स्ट खत्म हुई। थैंक्स अ लॉट।